5 लाख रुपए पर साल तो किसान को वो वैसे दे रहे हैं और प्लस प्रॉफिट का 50-50। अब ये इसमें जो स्कोप है फार्मिंग में, यदि जो आप प्लानिंग से करें जी, ये कौन सा पौधा है? यही तो है जी, सलाद पत्ता जी, सलाद पत्ता बोलते हैं जी इसको आप। हाँ जी, और साया में जी ये 300 रुपए के जी तक बिक जावे जी, और होटल वाले भी ले जावे जी। बहुत न्यूट्रिशियस होता है, फाइव स्टार होटल में जो है ज्यादातर यूज करता है, या हाई लेवल की जो है। क्रैक क्यों आ रहा है? खास का जी, अब इसको दो खाएंगे जी, इसको दे दीजिए। जो बेमौसमी को तैयार करके फ्रूट क्या करूँगा, जो जून जुलाई में बिना कीमत के भाव ही नहीं होता जी। खत्म हो गया, आपने तो इतना बनाया। हाँ जी, मेरे पास दिल्ली ना 4x4 में सेम लगा। अच्छा जी, और कल स्ट्रॉबेरी खा के आए इसके अंदर की। और सर ये मान लो कुशन जी, ये है जी, हाँ नीले वाड़ी जी, नीले वाली गोभी। हाँ जी, और ये येलो मिर्च, येलो क्रॉपिंग भी मिला, मिर्च लगा दी सर। यहाँ पर वैरायटी अलग है इसकी, हमारे में की अपनी पूरा वैरायटी महंगी, जो साइज ज्यादा भाव भी ज्यादा मिले। हाँ, बहुत स्ट्रॉबेरी की तो मिठास और साइज यही इफेक्ट करता है। ये तो मिठास तो जी, अब की बार मैंने बोल ले उनको तो के कि भाई हमने पौधा ना ऐसी वैरायटी निकाल के दो जिसके अंदर फ्रूट के अंदर मिठास हो। जी देखो जी, मिठास ये चीज है जी, मेन चीज ये है। ये 10 दिन में पौध तैयार हो जाएगी सर, अब पत्ता पड़ गई है, ये पौध मान 10 दिन में हो जाएगी। है जब आप एक डिमांड मार्केट की जो डिमांड उसके अकॉर्डिंग जो जिसे आमतौर पर आम प्रकार में जो 2 दिन में हो जाएगा। इसके जो खेती का है, इसका जो बाद में सूख के पत्ते निकलते हैं, हाँ जी, उसको भी कंपोज करते हैं। यूज करो जी, मैं वो बना रखा है डेयरी कंपोजर, ये यहाँ पे जो डीकंपोजर में डीकंपोजर जो यूज करते हैं उसको, और जो डीकंपोज करने के लिए उसको पहले तो अगर तापमान सही होना तो मैं आगे की बरेकिया तैयार करता हूँ जी, बेमौसमी। ये जब पानी गिर रहा है ये इसके अंदर चल रहे जी, इसमें कोई वो भी डाल रहे हो न्यूट्रिएंट? हाँ जी, न्यूट्रिएंट वगैरह कैल्शियम वगैरह चल रहे जी इसके अंदर जी। पहले एक डब्बे में घोल बना के ना, पहले पीडीएस और पीएच नाप के ना, फिर हाँ जी यार रोता से ज्यादा वो कर रहे हैं। आपकी बार सर है रोडा जी, मान लो ये कौन सा मकान? हमारे ये मंडी के है ना, ये भैंस का है भाई, ये कौन? ओ बस ये कौन मक्खन तो है, भैंस और भैंस गाय मक्खन तो मक्खन है। आ गया आ गया, ये फोटो लगेगा। तो इसकी टाइमिंग कैसे करते हो? डिपार्टमेंट से यार, ये कौन फिर लड़का बेटा?